guys, I just got my first unicorn. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अस्पर। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाली हूं दैट हाउ आई गॉट माय फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट। यस, तो रिसेंटली मुझे यूट्यूब से अपनी पहली पेमेंट रिसीव हुई है और मुझे क्या क्या करना पड़ा, किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा टू गेट ऑन दिस, वो सभी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं वो भी रिवील करूँगी कि मुझे कितनी पेमेंट आई है, उसके लिए आपको ऑफकोर्स वीडियो में बने रहना पड़ेगा। लेकिन ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो YouTube में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि YouTube से हम कैसे कमाई कर सकते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जब से मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है तब से मुझे ऐसे DMs और मैसेजेस आते रहते थे कि पता नहीं मैं कितना कमा रही हूँ YouTube से, अब तो मेरी वीडियोस पे व्यूज़ भी आने लगे हैं तो शायद बहुत अच्छा कमा रही होंगी, तभी मैं जॉब के साथ साथ YouTube भी कर रही हूँ या फिर जॉब मैंने ऐसे साइड में रखी हुई है, मैं सिर्फ YouTube से ही कमा रही हूँ, ये वो। आई थिंक बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे तो उन सभी मिसकंसेप्शंस को आज की वीडियो में मैं ख़त्म करूँगी। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें सब्सक्राइबर से पैसे मिलते हैं, नो, हमें व्यूज़ के पैसे मिलते हैं, नो, हमें पैसे मिलते हैं फ्रॉम एड्स। यस, हमारी वीडियोस पे जो एड्स रन होते हैं, कितनी बार वो देखे जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितनी अर्निंग होगी। ओके, एंड वो एड रन कराने का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। आप ऐसे ही अपने यूट्यूब पे एड्स रन नहीं करवा सकते, आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल हो गए तभी आपको मोनेटाइजेशन ऑन कराने का ऑप्शन मिलता है। ओके, सो एड्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी तरीके के एड्स होते हैं। एक नॉन स्किपेबल होता है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, एक स्किपेबल होता है जिसको आप स्किप कर सकते हैं, डिस्प्ले एड्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो कमाई करते हैं वो करते हैं नॉन स्किपेबल एड्स। ओके, स्किपेबल एड्स को अगर आप स्किप कर दोगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको देखोगे तो हमें थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो आगे से प्लीज़ पूरा देखना। ओके, हाँ, तो ये सारे एड्स होते हैं जिसका मैं आपको आइडिया देना चाहती थी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कब आपकी वीडियोज़ पर एड्स डिस्प्ले होंगे। ओके, आपकी वीडियोज़ पर एड्स तभी आना शुरू होते हैं जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं एंड वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है। एंड मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहला, आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए एंड दूसरा, आपके चैनल पर 4000 घंटों का वॉच टाइम होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए तभी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी ये जर्नी कैसी रही है। सो मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो मैंने पोस्ट करी थी ऑन 13th of July 2020। 13 जुलाई 2020 को मैंने अपने YouTube चैनल पर पहली वीडियो पोस्ट करी थी। ओके, एंड दैट वॉज अबाउट डिफरेंट आई लुक्स यूजिंग अ सिंगल काजल। ओके, क्योंकि मैं उस टाइम पे ब्यूटी वाला कंटेंट शेयर करी थी। एक महीने बाद एग्जैक्टली 13 अगस्त 2020 को मैंने अपनी सबसे पॉपुलर वीडियो शेयर करी थी जो थी मेरी सी ए जर्नी के ऊपर। उस वक्त पर मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे वो 300 या 400 के बीच में थे। एक महीने के अंदर मैंने 300-400 ही सब्सक्राइबर्स गेन कर पाए थे, तो उस वक्त मेरे इतने ही सब्सक्राइबर्स थे और उस वीडियो ने अच्छा परफॉर्म किया था और विद इन फ्यू डेज आई थिंक वो 3000 व्यूज़ कम्प्लीट कर चुकी थी वो वीडियो, और एक महीने में उसने 4000 व्यूज़ कम्प्लीट किए थे। उस वक्त पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि वाओ, मेरी वीडियो ने एक महीने में 4000 व्यूज़ क्रॉस कर लिए, क्योंकि बाकी वीडियोस पर 1000 भी नहीं हुए थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस वक्त कि मेरी वीडियो अच्छा कर रही है एंड आई वाज ऑन Cloud 9। एंड उस वीडियो से मुझे बहुत सारी अप्रिसिएशन भी मिली। अब अगस्त में मैंने वो वीडियो पोस्ट करी थी। ओके, और सेप्टेम्बर अक्टूबर तक वो वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, डिसेंट परफॉर्म कर रही थी। ओके, बट अक्टूबर के मिड से उस वीडियो में उछाल आना शुरू हुआ, मतलब वहाँ से उस वीडियो ने बहुत अच्छा पिकअप करना शुरू किया। स्टार्टिंग में एक दिन में 2000 व्यूज़ आ रहे थे और आई वाज शॉक कि अचानक से इसमें क्या हो गया। कभी 2000 व्यूज़ आते थे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे करके 5000 व्यूज़ आने लगे उस पर। एंड नवंबर मिड का टाइम ऐसा आया जब उस वीडियो पर एक दिन में 10000 व्यूज़ भी आए हैं, और कुछ दिन 10000 व्यूज़ भी आए थे उस वीडियो में।
तो बेसिकली वो वीडियो वायरल होने लगी थी एंड दैट इज़ वाई उस वीडियो पे व्यूज़ अच्छे आने लगे थे। और अगर मैं अभी की बात करूँ तो उस वीडियो पर मेरे 4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो उस वीडियो की बदौलत मुझे सब्सक्राइबर्स भी मिले, मुझे मेरे बाकी वीडियोज़ पे व्यूज़ भी मिले, और उसी की वजह से मैंने मोनेटाइजेशन वाला क्राइटेरिया भी पूरा किया। ओके, तो एक्चुअली मैंने लिखा हुआ है कि किस डेट पर क्या हुआ, तो ताकि मैं आपको ढंग से बता सकूँ। तो इस बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं इसका क्या करती हूँ, मैं यही करती हूँ, इसमें कुछ चीज़ें मैं जो भूल जाती हूँ ना, मैं इसमें नोट कर लेती हूँ। ओके, दिखते नहीं रहा। सो 1000 सब्सक्राइबर्स का जो क्राइटेरिया था, मैंने 25 अक्टूबर 2020 को क्रॉस कर लिया था, उसको मैं फुलफ़िल कर चुकी थी, बट मेरे वॉचार्स अभी तक 4000 नहीं हुए थे। ओके, उसके 4 दिन बाद, दैट इज़ 29th of October 2020 को मैंने 4000 वॉच आर्ट्स भी कंप्लीट कर लिए थे। दैट इज़ अब मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकती थी। तो जैसे ही मैंने 4000 वॉच आर्ट्स कंप्लीट करे, मैंने सेम डे मोनेटाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। और हालांकि मुझे मेल बाद में रिसीव हुआ कि अब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने पहले ही कर दी थी, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। तो मैंने 29 अक्टूबर को ही मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया था। ओके, बट YouTube के पास वो रिक्वेस्ट गई और उन्होंने उसको अप्रूव किया ऑन 2nd of November 2020। 2 नवंबर 2020 को उन्होंने मेरी मोनेटाइजेशन की रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी थी। ओके, अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि YouTube आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं देता है, आपको पेमेंट मिलती है फ्रॉम Google AdSense। YouTube आपकी सारी अर्निंग्स Google AdSense में ट्रांसफ़र करता है एंड देन Google AdSense आपको पेमेंट करता है। तो उसके लिए आपको Google AdSense का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो मैंने वो भी उसी टाइम पीरियड के बीच में बना दिया था अपना Google AdSense का अकाउंट, और वहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं और आपको एक एड्रेस फिल करना पड़ता है। अब एड्रेस आप फिल कर दोगे, उसके बाद उस एड्रेस को वेरीफाई करने का भी एक प्रोसीजर होता है। आप जब Google AdSense पे सारी डिटेल फिल करोगे, उसको सबमिट करोगे, उसके बाद आपके एड्रेस पर, टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो, आपके एड्रेस पर एक पिन भेजा जाता है और उस पिन को आपको Google AdSense की साइट पर जाकर वेरीफाई करना पड़ता है दैट यू आर अ जेन्युइन पर्सन। ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे को रिसीव हुआ था पिन और कैसा था ये। ओके, सो यू कैन सी ऐसा कुछ एनवेलप आया था। ओके, एंड इसके अंदर ये एनवेलप ऐसा आया था और यहाँ पर पिन लिखा हुआ था जो मैंने छुपाया हुआ है, एंड इस पिन को फिर आपको Google AdSense के अकाउंट पर जाकर वेरीफाई करना पड़ता है। और जब वेरीफाई हो जाता है दैट इज़ यू आर अ जेन्युइन पर्सन, तो आपकी पेमेंट YouTube रिलीज़ कर देता है अपने साइट से और वो Google AdSense अकाउंट में चली जाती है। ओके, अब मोनेटाइजेशन अप्रूव होने के बाद मेरे वीडियोज़ पर एड्स आने शुरू हो गए थे, दैट इज़ मेरी वीडियोज़ ने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया था। बट यहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि अगर आपकी 1 महीने में $100 की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होती है तभी आपको पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज़ वो आगे जाकर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, मतलब आगे वाले महीने में ऐड ऑन हो जाएगी। तो बेसिकली आपको 1 महीने में $100 की थ्रेशोल्ड पूरी करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू गेट दी पेमेंट फ्रॉम YouTube। सो नवंबर में मैंने $100 की थ्रेशोल्ड कम्प्लीट कर ली थी और कायदे से मुझे दिसंबर में पेमेंट आ जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपना बैंक पेमेंट मेथड वहाँ पर मेंशन नहीं किया था। मुझे लग रहा था शायद मैंने कर दिया, मैं इसमें रही कि शायद मैंने कर दिया, बट एक्चुअली मैंने नहीं किया था। और वो चीज़ मुझे आकर रियलाइज़ हुई इन फर्स्ट वीक ऑफ जैन, तब मैंने देखा वहाँ पर कोई भी पेमेंट मेथड ऐड नहीं था, जिसकी वजह से मेरी पेमेंट होल्ड पर थी। और जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने फिर अपना पेमेंट मेथड वहाँ पर डाला, बट ऐड करने के बाद वो स्विफ्ट कोड भी मांग रहा था, जो मैंने पासबुक में चेक करा मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। फिर मैंने गूगल की हेल्प से स्विफ्ट कोड देखा अपने बैंक का और स्विफ्ट कोड फिर मैंने वहाँ पर जाकर मेंशन करा। अब 5 जनवरी 2021 का दिन था और सुबह के 10 बज रहे थे और मैं सो रही थी। ओके, और सुबह मेरे पास कॉल आया SDFC से कि मेरा ये नाम है, मैं SDFC बैंक से बोल रहा हूँ, इस ब्रांच से बोल रहा हूँ, और आपका नाम असफर खान है। मैंने बोला हाँ मैं असफर ही बोल रही हूँ। बोले नहीं आप असफर खान हैं? मैंने बोला हाँ मैं असफर खान हूँ। बोले नहीं आप तो लड़की लग रहे हो। मैंने बोला हाँ मैं लड़की हूँ बट मेरा नाम असफर खान है। तो बोला उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला मैं SDFC बैंक से बोल रहा हूँ, इस ब्रांच से बोल रहा हूँ। मैंने बोला SDFC बैंक से क्यों बोल रहे हो? फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि क्योंकि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ऑफकोर्स काम करता है तभी तो बोलेगा। बोला ओके ओके। तो मैंने बोला आप क्रेडिट कार्ड के लिए बोल रहे हो क्या? फिर बोला नहीं आपकी पेमेंट आई है कुछ डॉलर्स में, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। फिर मैं थोड़ा सा उसमें आई, ओके अब मेरी पेमेंट आने वाली, थोड़ा मैं जग गई उस वक्त। ओके, फिर उन्होंने बोला कि आपकी पेमेंट आई है, आप क्या काम करते हो जो आपकी पेमेंट डॉलर्स में आई है? फिर मैंने उनको बताया कि मैं YouTube चैनल मेरा है तो वहाँ से पेमेंट आई होगी। तो उन्होंने बोला ओके, तो आप इसका बिल मेरे साथ शेयर करो। अब YouTube ने मुझसे कोई भी बिल ऐसा शेयर नहीं किया था जो मैं उनके साथ शेयर कर सकती, तो साइट पर जो भी ट्रांजेक्शन थी मैंने उसका स्क्रीनशॉट उनके साथ शेयर कर दिया
और ताकि उनको पता चल जाए कि यस मेरी यूट्यूब से पेमेंट आई है। तो फिर मैंने उनको शेयर करा, उनको बताया, एंड देन ही सेड ओके मैं आपकी पेमेंट रिलीज़ कर देता हूँ और आपको विद इन फ्यू आवर्स आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। और फिर उसके बाद शाम के टाइम मेरी पेमेंट अकाउंट में आ गई थी फाइनली, और आई वॉज रियली हैप्पी क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब और काफ़ी टाइम बाद मिली और काफ़ी मेहनत के बाद मिली। तो जितनी भी है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अब मैं बताती हूँ आपको कि कितनी मुझे पेमेंट रिसीव हुई। ऑल्दो यूट्यूब पेमेंट या यूट्यूब अर्निंग रिवील करना इज़ अ बैड प्रैक्टिस एंड इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द पॉलिसी, सो मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता सकती कि मेरी यूट्यूब से कितनी पेमेंट आई है, बट आई कैन गिव यू अ गुड आइडिया सो दैट आप एग्जैक्टली समझ जाओ कि कितनी आई होगी। सो जितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है ना पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए, मेरी अर्निंग उतनी ही है। बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस है, लाइक बहुत स्लाइट डिफरेंस है। तो आप उस थ्रेशोल्ड को ले लो, मल्टीप्लाई कर दो उसको रुपी पर डॉलर में, कन्वर्जन रेट आप लगा दो और देख लो कितनी मेरी अर्निंग आई होगी, और वही है मेरी अर्निंग। सो यही है मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट। जितनी भी है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं इतने महीनों से लगातार वीडियोज़ डाल रही हूँ और अब जाकर मुझे उसका मॉनेटरी फ़ायदा हुआ है, तो मुझे काफ़ी खुशी है। हालांकि ये पैसे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाइक्स के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो, किसी चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो और रिटर्न में आप थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्ट करोगे ही ना मिले, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए इन्वेस्टमेंट भी करी है, सो धीरे धीरे पैसे आएंगे तो ऑफकोर्स जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है उसकी रिटर्न निकल जाएगी। और मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे और मैं चाहूँगी आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, एंड आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग गुड वीडियोज़ फॉर यू, गुड कंटेंट फॉर यू, एंड दैट इज़ वाई आप मुझे इतना सारा सपोर्ट भी करते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, और इसी नोट पर मैं आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ, एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो चलिए इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।